सभी पुरुषोत्तम मास में चराष्टकम गाते हैं और भगवान को दिया दिखाते हैं, तो आज हम उस चराष्टकम का अर्थ समझने जा रहे हैं। व्रज प्रसीदं नवनीत चारं गोपागण्यं चदुकुलचारं अनेक जन्माजित पापचारं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो ये जो चराष्टकम है ये भगवान की एक बहुत ही अनोखी स्तुति है जिसको निंदा स्तोत्र भी बोलते हैं। भगवान की निंदा कर रहे हैं और भगवान तो निंदा में भी ग्लोरीफाई हो जाते हैं, तो क्या निंदा कर रहे हैं? तो निंदा ये कर रहे हैं कि हे भगवान, आप तो सबसे बड़े चोर हो, आप तो चोर चोरों के भी चोर हो। चोर ग्रगण्यम मतलब चोरों के भी सम्राट हैं आप तो। और क्या क्या चोरी किया वो बताने से पहले यहाँ दो श्लोक जो हैं, पहले दो श्लोक विल मंगा ठाकुर ने लिखा और दो श्लोक हैं वो इस चोर का वर्क प्रोफाइल है। वर्क प्रोफाइल मतलब जैसे कभी कहीं पे सीवी जॉब लेने जाते तो सीवी देते हैं ना, तो सीवी देते हैं तो क्या होता है उसके अंदर सबसे पहले आता है कि आपने क्या 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 काम कर रखा है, आपको क्या क्या आता है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पूरे कर रखे हैं। तो पहले तो जो श्लोक है वो भगवान की इस चोर होने की बता रखा है क्या 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 चोरी कर रखा है। बाकी फिर थर्ड और फोर्थ जो श्लोक है वो उस चोर की एक्सपर्टीज बता रहे हैं कि कितना एक्सपर्ट है वो चोर। फिर पांचवा और छठा जो श्लोक है उनको उनके अगेंस्ट एक्शन प्लान है कि क्या एक्शन लेना है। और जो सातवां और आठवां श्लोक है वो उनकी पनिशमेंट है कि उनको क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो इस तरह से ये आठ, इसलिए अष्टकम अष्टकम बोलते हैं, अष्टकम मतलब आठ श्लोकों का ये प्रार्थना है। और भगवान इतने महान है कि आप उनकी निंदा भी करेंगे तो उनकी महानता बढ़ती है। और जो भक्त होते हैं वो भक्त भगवान के साथ उनका इतना गूढ़ संबंध होता है कि वो भगवान की निंदा करते हुए उनको सिर्फ ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। तो क्या बोल रहे थे पहले में, व्रजे प्रसिद्धम, जो व्रज में प्रसिद्ध हैं आप, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, किस लिए प्रसिद्ध हैं आप? इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि आप माखन के चोर हैं। नवनीत चौरम, नवनीत मतलब मक्खन, तो आप तो व्रज में प्रसिद्ध मक्खन चोर हैं। और क्या चोरी किया? अरे माखन तो छोड़ो, आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये पूरे तीन लोगों के स्वामी ये माखन जैसी चीज चोरी करते हैं। यशोदा मैया नहीं समझ पाई कि मेरे पास 9 लाख गैया है। 9 लाख बोलना आसान होता है, 9 लाख गैया है और वो कामधेनु जैसी गैया है, सुरभि जैसी गैया है और वो दूध के अंबार देती हैं, और उसके बाद भी मेरा बेटा बाहर जाके चोरी करता है। ये तो बात समझ में नहीं आई, यशोदा मैया नहीं समझ पाई। क्या चोरी किया? नवनीत चौरम। और क्या चोरी किया? गोपा गगण्या च दुकुल चौरम, गोप गणों के जो गोपियां थी उन सबकी वस्त्र भी चोरी कर लिए तूने। तो इतना बड़ा चोर है कि तूने गोपियों के वस्त्र चोरी कर लिए। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और जो तुम्हारे जो भक्त है ना उनके जो इतने इतने जन्मों में उन्होंने कमाया हुआ है, क्या कमाया हुआ है? पाप कमाया हुआ है, वो सब चोरी कर लेते हो। अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, तो जो भक्तों ने पिछले लाखों लाखों जन्मों में इतनी मेहनत से पाप कमाया हुआ था तुमने सब वो भी चोरी कर लेते हो, तुम कहीं का नहीं छोड़ते हो। चौरे गगण्या पुरुषम नमामि, ऐसे
चोर को मेरा नमस्कार है। और क्या किया, यहां तक चोरी का प्रोफाइल खत्म नहीं हुआ अभी। फिर उसके बाद क्या किया, श्री राधिकाया है, श्री राधिकाया है दस्य चारम नवम्भुदा श्यामलता कांति चारम पदाश्रितम च समस्त चारम चरग्रगण्यम पुरुषम नमः। तो बोल रहे हैं चोरों, आपके चोरी की तो कोई लिमिट ही नहीं है। श्री राधिका, उनका हृदय चोरी कर लिया तुमने। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, तुमने तो श्री राधिका हृदय तक चोरी कर लिया। और नवाम अम्बुदा श्याम कांति चोरम, नवाम, नवा मतलब नया, अम्बुदा मतलब बादल, श्यामल कांति चोरम जो नया नया बादल जिसमें पानी भरा होता है ग्रे ग्रे हो जाता है, तुमने तो बादलों का रंग चोरी कर लिया और अपने ऊपर डाल लिया। तो तुम तो नए नए बादलों का रंग भी चोरी कर लेते हो। पदाश्रितम च समस्त चोरम, और जो आपके पदों के आश्रित है, जो आपके शेल्टर में है, उनका तो सब कुछ चुरा लेते हो तुम। उनका मन, उनका ध्यान, उनका सारा काम, सब कुछ आप चोरी कर लेते हो। अकिंचनानि कृतय प्रदस्थितम या करोति भिक्षुं पथिगेहं हीनम् किनापि हो भीषण चोर दृक् दृष्ट श्रुत्वो वना जगत्त्रयापि। और आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी एक्सपर्टीज को तो पूछो ही मत। क्या एक्सपर्टीज है आपकी, अकिंच कृत्य पदाश्रितम य, और जो आपकी भक्त बन जाता है, जो आपको सरेंडर कर देता है, आप अकिंच कृत्य उसको अकिंचन बना देते हो, मतलब उसको सब कुछ हर लेते हो। करोति भिक्षुम पति गेह हीनम, और उसको दर दर का भिखारी बना देते हो। केनापि ओहो भीषण चोर, ओहो ऐसा कोई चोर तो देखा ही नहीं, इतना बड़ा चोर। केनापि भीषण चोर, इतने बड़े चोर हो कि जो तुम्हारे पांव, तुम्हारे चरणों की शरण ले लेता है, तुम उसको अकिंचन कर देते हो। अब इस बात को दो तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है इसको सुन के बहुत सारे भक्त परेशान हो जाते हैं कि अच्छा मतलब हमारे पास जो कुछ भी अच्छा सब चोरी हो जाएगा, मतलब हमारा धन, हमारा घर सब चोरी हो जाएगा। तो एक तरह से हाँ, तो क्या है इसमें दो तरीके से हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो इसकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि भक्तों के पास जो भी अनर्थ इकट्ठे हुए हुए होते हैं, वो होते हैं अटैचमेंट धन की तरफ, अटैचमेंट परिवार की तरफ, अटैचमेंट यहां, अटैचमेंट वहां, भगवान वो अटैचमेंट हर लेते हैं। और दूसरा, भक्तों के जीवन में समस्याएं भी आएंगी, मगर भगवान समस्या उतनी देते हैं जितनी वो लेवल है उनका। जैसे अगर एक पांचवी क्लास का बच्चा है तो उसको बारहवीं क्लास का पेपर नहीं दिया जाता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे हमारा कॉन्शियसनेस लेवल, जैसे जैसे हमारे उनकी तरफ शेल्टर बढ़ेगा, उनकी तरफ शनाख्त बढ़ेगी, हमें भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। तो भगवान बोलते जब कुछ नहीं चाहिए ना, तो फिर ये सब चीज बेकार की चीजें मैं हर लेता हूं तेरी। तो उनकी फैमिली में भी समस्या आएगी, उनके धन में भी समस्या आएगी, उनके बिजनेस में भी समस्या आनी शुरू हो जाएगी, हर चीज में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। तो भगवान क्या चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद के पास भी सेम समस्याएं आ रही थी, सेम। और प्रभुपाद को उन्होंने, प्रभुपाद ने भिक्षा भी मांगी, मगर उसके बाद जब उनकी सारी अटैचमेंट खत्म हो गई, प्योरीफाई हो गई, तो प्रभुपाद के पास आज जितना धन है उतना एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं है। इतने मंदिर है,
प्रभुपाद के, प्रभुपाद के पास जितने IITians हैं उतने IITians तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं है, अंबानी के पास नहीं है। जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स हैं उतने तो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास नहीं है, मगर प्रभुपाद के पास है, है ना। और प्रभुपाद की रोज सुबह शाम आरती उतार रहे हैं। ये ऐसे चोर हैं जो इन सब चीजों से मुक्त कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं, क्योंकि जब तक हमारी इनके अंदर अटैचमेंट है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम यही बने हैं। इसीलिए सब लोग जब भक्ति में आते हैं तो सामने वाला क्या बोलने, सभी रिश्तेदार क्या बोलने लगते हैं, अरे तू तो एबनॉर्मल हो गया भाई, हम सब नॉर्मल की तरह पहले तो पार्टियों में आया करता था, पहले तो थोड़ा सा शादियों में जाता था, तो क्लब में चला करता था, किटियों में आया करती थी तू, सैलून में जाया करती थी, है ना, और रोज शॉपिंग पे जाया करते थे, मॉल घूमने जाया करते थे, लेटेस्ट मूवी का इंतजार किया करते थे, मगर अब तो तेरा कोई इसमें मतलब ही नहीं है। अरे तूने क्या भक्ति ले ली है, तूने भक्ति लिए सब कुछ छोड़ दिया है, और क्या कर दिया है ना, अब तेरे को जो आनंद है वो आनंद अब इस चीज में नहीं है, अब कुछ और चीज में आ रहा है। क्या आनंद, ऐसा नहीं आनंद नहीं आ रहा, आनंद उसे बहुत ज्यादा आ रहा है। कहाँ आ रहा है आनंद, आ रहा है भगवान का प्रसाद खाने में, अब होटलों में खा के मजा नहीं आ रहा, अब फालतू की शादी पार्टियों में जाके मजा नहीं आ रहा, सत्संग में जाके मजा आ रहा है, हमें तो मंदिर जाके मजा आ रहा है, हर संडे हर मौका मिलता है, चाहे कोविड है या नहीं है, हम लोगों ने मंदिर जरूर गए, है ना, कि भाई मंदिर जाके जो आनंद आ रहा है वो कहीं आ ही नहीं रहा, हमें पार्टियों में आनंद ही नहीं आ रहा, है ना। और कहाँ आनंद आ रहा है, हमारे को भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है, पहले हम सैलून में जाके अपनी सेवा कराया करते थे, अब हम भगवान की सेवा करने के लिए बैठे हैं, पहले हम रोज अपनी ड्रेस ढूंढा करते थे, उसकी मैचिंग चीजें ढूंढा करते थे, और आज कहाँ ढूंढ रहे हैं, आज भगवान के लिए सुनो सुनो ड्रेसेस और उनके लिए वस्त्र ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल शिफ्ट हो गया हमारा, पहले हम लोग बैठ के गप्पे मारा करते थे और आज हम चौराष्टकम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये कोई आसान बात है नहीं है, रोज सुबह सुबह उठ जाते हैं और वही उस चोर का नाम ले रहे होते हैं, तो उन्होंने हमारा हृदय चोरी नहीं किया क्या, पूरा किया। और भिक्षुक के भाते हम घर घर जाते हैं कि भाई मंदिर बन रहा है थोड़ा पैसा दे दीजिए, और नहीं तो ये बुक खरीद लीजिए, है ना, तो भिक्षुक के भांति हम लोग घर घर जा रहे हैं, तो कहीं पैसा मांग रहे हैं, कहीं से किसी को बुक दे रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि सब हमारी तरह क्या बन जाएं, भिक्षुक बन जाएं। यदि अनमापि हृदय से आसे सम गी प्रसन्न पी पापारासिन आचार्य रू आश्चर्य रूपो नानु चरेन्द्र दुष्ट श्रुत्व न माया कदापि, दुष्ट श्रुत्व न माया कदापि, अरे ना कोई ऐसा चोर देखा है ना सुना है मेरे द्वारा, ऐसा कदापि कोई ऐसा चोर ना सुना ना देखा, क्यों, यदापि नमापि हृदय से अशेषम, उसका नाम लेने मात्र से गिरी प्रसन्न प्रसारम अपि पापा रासिना, जितनी जो पहाड़ जितने पाप हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ उस चोर का नाम लेने से सब कुछ खत्म हो जाता है, पहाड़ पहाड़ जितने जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। आश्चर्य रूपो नानु चौरे द्रेक, इतना आश्चर्य है कि ऐसा आश्चर्य है कि कभी हमने ऐसा देखा कि जिस चोर का नाम लेने मात्र से हमारे पहाड़ जितने जो पाप हैं वो चोरी हो जाए, वो खत्म हो जाए, सिर्फ नाम लेने से, हद हो गई। धनम च मानम च इंद्रियाणि प्राणम च हृत्वा मामा सर्वैव पलयासि कुत्रादि को यशोचारा त्वं भक्ति दामनासि मया निरुद्धा। धनम च मानम च इंद्रियाणि, अब आपका एक्शन प्लान शुरू करने से पहले और अभी बता दे, क्या किया आपने, सबका धन चोरी कर लिया, मानम च इंद्रियाणि मान चोरी कर लिया, तथेन्द्रियाणि तो मिल मंगल ठाकुर बोल रहे मैंने तो अपनी इंद्रिया मतलब अपनी आंखें तक भी आपने मेरी चोरी कर ली,
प्राणम च हित्वा मामा सर्वैव, और क्या करते हैं आप, सब कुछ मेरे को भी आपने चोरी कर लिया, मुझसे ही चोरी कर लिया। तो धनम च मानम च, जो सारा धन है पहले हम होटलों में लगाया करते थे, क्लबों में लगाया करते थे, कपड़ों में लगाया करते थे और घूमने फिरने में लगाया करते थे, अब तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता, सिर्फ मन करता धाम जाए। मतलब जो पैसा लगाना है अपनी तरफ लगवाते हो अब तो। धनम च, आपने हमारा सारा धन भी अपने पास कर लिया है, जो मन करता है बस आप ही के ऊपर करने का मन करता है, अब तो कुछ कर नहीं। मानम च, जो हमारा अभिमान था वो भी चोरी कर लिया, अरे मैं ये हूं मैं वो हूं। हम में से कुछ तो ऐसे थे जिनके लिए लोग मिलकर के तालियां बजाया करते, अरे वाह 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 वा, ये लोग आए हमसे मिलने, है ना। अरे मान भी चोरी कर लिया, इसको प्रभुपाद कहते हैं स्पेशल मर्सी, कि जिसके ऊपर अधिक कृपा होती है। तो धनम च मानम च इंद्रियाणी, तो आपने क्या किया, अब मेरी इंद्रियां तक को भी अपने पास लगा लिया है, मेरी इंद्रियां आपके आपके दर्शन के अलावा कुछ देखना नहीं चाहती है, आपके प्रसाद के अलावा कुछ खाना नहीं चाहती है, आपके कीर्तन के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहती है, सुनती नहीं है वो कुछ, और उनको बॉलीवुड के गाने सुनाइए उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा छी छी ये क्या कर रहे हो, है ना। अब उसको समझ में नहीं आता है, कान को नाक को अब डीओ नहीं समझ में आता भैया, परफ्यूम नहीं समझ में आता, अब तो जो आपके ऑफर तुलसी और जो फ्लो फूल मिलते हैं उसको सुन के वो इतना खुश हो जाता है। सबको सारी इंद्रियां तो आपने अपनी तरफ कर ली। पलाया से कुत्रो द्रिको दया चौरा, कहां भागे जा रहे हो भाई, तुम ऐसे भाग नहीं सकते। पलाया मतलब भागना, आप भाग नहीं सकते। तुम भक्ति दामनासी मया निरुद्धा, और आप तुम भक्ति दामनासी मया निरुद्धा, तुम्हारे को मैंने अपनी भक्ति की जंजीर में अपनी डोरी में बांध लिया है। दामनासी, दाम मतलब रस्सी, भक्ति दामनासी मया निरुद्धा, मैंने आपको अपनी भक्ति की डोरी में बांध ली है, अब तुम भाग नहीं सकते। ये मेरा एक्शन प्लान है कि तुमने जब सब कुछ मेरा चोरी कर लिया, मेरी आंखें चोरी कर ली, मेरी कान चोरी कर लिए, मेरी नाक चोरी कर ली, मेरा ध्यान चोरी कर लिया, मेरा धन चोरी कर लिया, मेरा मन मान चोरी कर लिया, मेरी इज्जत सब कुछ चोरी कर लिया, अब हम घर घर की बेल बजा रहे हैं भैया ये भगवद गीता खरीद लो। तो ऐसे चोर को मैंने क्या किया, मैंने अब रस्सी में बांध लिया है, ये भगवान अब मैंने तुझे अपनी रस्सी में बांध लिया है। छिनत्सी घोरम या पास बंधम, बिनत्सी भिन्नम भव पास बंधम, छिनत्सी सर्वस्य समस्त बंधम, भक्ति कृतम तु बंधम। अब मैंने कहा मैंने तो आपको अपनी रस्सी में बांध लिया, मगर मुझे पता है तुम इतने आसानी से मेरी रस्सी में नहीं आने वाले हो, क्योंकि तुमने तो यमपाश, जो ऐसी रस्सी जो टूट ही नहीं सकती, यमपाश जो मरता है तो उसको यमराज अपनी रस्सी में जकड़ कर घसीटते हुए लेके जाते यमदूत, सो कहते यमपाश। तो यम पाश बंधन चिनत सी घोरम, आप तो ऐसे चोर हो जो यम पाश को भी बंधते नहीं हो, वो भी तोड़ देते हो, मतलब वो उसमें बंधते ही नहीं हो, आप तो उसमें बंधते ही नहीं हो। भिनत सी भिन्नम भव पास बंधम, और आप सारे जो भव 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 सागर के जो बंधन है उनको भी काट देते हो। भिनत सी भिन्नम, टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हो, क्या जो भव पाश बंधन है उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हो। चिरत से सर्वस्य समस्त बंधम, नैवित मनो भक्ति कृतम तु बंधम। ऐसे रस्सियों को तोड़ने वाले ध्यान रखना, मेरी रस्सी नहीं तोड़ पाओगे तुम, क्योंकि मैंने आपको अपनी भक्ति की रस्सी में बांधा है, और ये जो भक्ति की रस्सी है ना ये टूटती नहीं है, तो ये मैंने आपको बांध लिया है, अब आप इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ के दिखाओ तो मैं मानूंगा। अब दो एक्शन प्लान हो गए, अब आती है दो पनिशमेंट। मन मना से तामस रशि घोरे, कारागृहे दुखलमय निबंध,
लभस हे चरा हरे चिराय स्वचारा दोष तिथम इव दंडम। क्या कह रहे कि जो इतनी चोरियां करते हैं ना उसको जेल में बंद कर देते हैं, और जेल में बंद करते हैं और जेल कैसी होती है, काली कोठरी, गंदी है ना, बिल्कुल अंधकार होता है वहां पर,